नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है, किस तरीके से आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है TGT, PGT और PRT की जो है वैकेंसीज निकल कर आ रही है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज हैं। कौन से कैंडिडेट जो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे पूरी चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलते हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर ये वैकेंसीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर्स डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 2023-2024 के लिए से कौन कौन सी पोस्टें हैं ये डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हेड मास्टर की आपकी पोस्ट है, ठीक है, NTTS की है, नर्सिंग ट्रेंड टीचर की पोस्ट है, PRT की पोस्ट है, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, एजुकेशन, ठीक है, मेल एंड फीमेल यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग दिया गया हुआ है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर जो है क्लासिकल डांस, कथक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको सारी पोस्टें देखने को मिल जाती है PRTS के लिए, ठीक है। यहाँ पे TGT के लिए देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर जो है संस्कृत, मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर आपको पोस्टें देखने को मिल जाती है, ठीक है, TGT में। PGT में यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की पोस्टें देखने को मिल जाती है। फॉरेन लैंग्वेज टीचर की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, बाय काउंसलर की है, यहाँ पर जो है टीचर्स की पोस्ट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। योगा ट्रेनर की आपकी पोस्ट हैं, AI रोबोटिक इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर आपकी पोस्ट हैं। दोस्तों पार्ट टाइम टीचर मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट हैं सेकेंडरी क्लास के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स लाइब्रेरियन की यहाँ पर पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, अकाउंटेंसी की यहाँ पर पोस्ट है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ में जो आती हैं। रिसेप्शनिस्ट की आपकी पोस्ट हैं फीमेल की, ठीक है, और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की भी आपकी यहाँ पर पोस्ट हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। लैब अटेंडेंट की पोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव की पोस्टें, नर्स की भी यहाँ पर आपकी पोस्टें निकल के देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी पोस्टें देखने को मिलती है, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोग इसे क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट पर यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है फोटोग्राफ एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, यहाँ पर दिया गया हुआ है एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स कोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है। DD यहाँ पर जो है आपको अटैच करना होगा, ठीक है, इन फेवर दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। बाकी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। क्लिक टू, यहाँ पर जो है अप्लाई लिंक दिया गया हुआ है, इसको कॉपी करके आप लोग जो है अपने ब्राउज़र में जो है पेस्ट कीजिएगा, तो वहाँ से जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोग को बता दूंगा किस तरीके से आपको इसमें जो है अप्लाई करना है। यहाँ पे और डिटेल्स हैं आप लोग देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स, ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 से 10 ईयर का मांगा गया है। यहाँ पे हेड मास्टर की आपकी पोस्ट है, BEd मांगा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं डिटेल्स में। बाकी यहाँ पर जो है नर्सरी में आप देख सकते हैं ट्रेंड टीचर की, ठीक है, यहाँ पर जो है डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा नहीं होता यहाँ पे जो है आप लोग के पास एटलीस्ट नॉट लेस देन 2 ईयर का BEd होना चाहिए नर्सरी, ठीक है, और 1 ईयर यहाँ पर जो है टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। PRT के लिए यहाँ पर जो है मैं आपको सब्जेक्ट्स बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर का टीचर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। TGT की बात कर लेते हैं। TGT में दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, प्रेफरेंस विल बी कैंडिडेट विथ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेकेंडरी क्लास। तो यहाँ पे जो है जिन लोग को 2 ईयर का एक्सपीरियंसेस होगा सेकेंडरी क्लासेस, उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज की जो है पोस्ट है, इसके लिए 1 ईयर का यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम टीचिंग का, ठीक है। जर्मनी से यहाँ पर जो है आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन जर्मन एंड एक्सपीरियंस, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी योगा ट्रेनर की है, ठीक है, यहाँ पे AI रोबोटिक की है, तो यहाँ पे जो है BCA वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग फ्रेशर्स हो तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IT वाले, ठीक है, बी वाले जो है अप्लाई इसमें कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 ईयर का यहाँ पर जो है ऑटोमेशन टीचिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है।
पार्ट टाइम टीचर, सैलरी नेगोटेबल, ऑल सब्जेक्ट विल बी फ्रेशनशिप, 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स में अप्लाई फॉर ट्रेन टीचर सब्जेक्ट्स मेंशन अबव। तो यहाँ पर जो है ट्रेन टीचर के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर्स, ठीक है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉट जनरल यहाँ पर जो है दिया गया वो एकेडमिक के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर ऑल पोस्ट डायनेमिक, यहाँ पर एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 14 ईयर्स जो है बिलो यहाँ पर बताया गया हुआ है। रूल एंड रेगुलेशन में भी रिलैक्स टू द रिसेंटली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी पे लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पे लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो भी आपको अदर बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ दी जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को मैं अभी वीडियो क्लास में बता दूंगा। यहाँ पर मैनेजमेंट रिजर्व टू द राइट टू बी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर नॉन टीचिंग के लिए पोस्ट हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से मांगा गया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। यहाँ पर अकाउंट की भी पोस्ट हैं, ठीक है, अकाउंटेंट्स की टैली का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर नॉलेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। बाकी रिसेप्शन का आप देख सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर मांगा गया है, और MS वर्ड और एक्सेल का, PPT का, ये सब का नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए 1 से 2 ईयर का, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 ईयर का जो है रेजिडेंटल स्कूल एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब अटेंडेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैब असिस्टेंट का सॉरी, यहाँ पे 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। गुड नॉलेज विल बी कंसिडर्ड बोला गया है। बाकी नर्स की भी यहाँ पर जो है पोस्टें, GNM ANM मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, सिमिलर कैपेबिलिटी फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्रेफरेंस यहाँ पर जो है दिया जाएगा, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। विलिंग टू रिसाइड इन द स्कूल कैंपस, तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर ऑल द पोस्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। 4 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर जो रिलीज़ किया गया हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जो है आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया हुआ है, www.dps, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो है हमने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अप्लाई नो का यहाँ पर दिया गया हुआ है सेक्शंस, आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, यहाँ पर जो है किस पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट यहाँ पर जो है, जैसे ही आप लोग पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो एडिशनल सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, आपका नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैरिज स्टेटस, लीजा, नेशनलिटी, पिन कोड, आप कौन से स्टेट से आते हैं, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, ई मेल, करंट एड्रेस, आपका स्टेट, परमानेंट एड्रेस, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेफरेंस, और टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल्स, ठीक है, मांगा गया है, 12th का एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन से तो भर सकते हैं आप लोग। PhD आपने किया है तो वो भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप में डिटेल्स दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ क्लियर यहाँ पर दिया गया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ये चीज़ दिया गया हुआ है। अदर डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे जो भी आपने डिटेल्स दिया है। लास्ट में आपको सबमिट फॉर एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है, ईमेल दिया गया हुआ है, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है, वहीं से ही आप लोग इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन को डिटेल्स में, ठीक है, उसके बाद ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी अगर अब भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी इसमें डिटेल थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारी आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।